हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने चैनल एचएसई मैनेजमेंट सिस्टम में। हम लोग इस वीडियो में स्कैफोल्ड के बारे में देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्कैफोल्ड? स्कैफोल्ड इज एन एलिवेटेड टेम्पररी वर्क प्लेटफॉर्म। इट इज इरेक्टेड टू प्रोवाइड एक्सेस एट हाइट। स्कैफोल्ड एक टेम्पररी वर्क प्लेटफॉर्म है जो ऊंचाई पे काम करने के लिए, एक्सेस के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग: सिंगल स्कैफोल्डिंग, डबल स्कैफोल्डिंग, कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग, स्टील स्कैफोल्डिंग, पेटेंटेड स्कैफोल्डिंग, क्विक स्टेज स्कैफोल्डिंग। सिंगल स्कैफोल्डिंग: सिंगल स्कैफोल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, लेजर्स, पुटलॉक्स एटसेट्रा विच पैरेलल टू द वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1.2 मीटर। डबल स्कैफोल्डिंग: टू रोज ऑफ स्कैफोल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। द फर्स्ट रो इज 20 to 30 cm अवे फ्रॉम द वॉल एंड द अदर वन इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट रो। पुटलॉक्स आर प्लेस्ड विच आर सपोर्टेड बाय द बोथ फ्रेम्स टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग। रैकर्स एंड क्रॉस ब्रेसेज आर प्रोवाइडेड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग। इसको हम इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग: स्टैंडर्ड आर सपोर्टेड ऑन सीरीज ऑफ नीडल्स एंड दीज नीडल्स आर टेकन आउट थ्रू होल्स इन द वॉल। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग: इन सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग द वर्किंग प्लेटफॉर्म इज सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ्स विथ द हेल्प ऑफ वायर रोप्स और चैन एटसेट्रा। इट कैन बी रेस्ट और लोअर्ड टू आवर रिक्वायर्ड लेवल। ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग: द वर्किंग प्लेटफॉर्म इज सपोर्टेड ऑन मूवेबल ट्राइपॉड्स और लैडर्स। दिस इज जनरली यूज फॉर वर्क इनसाइड द रूम सच एज पेंटिंग्स, रिपेयर्स एटसेट्रा अप टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर। स्टील स्कैफोल्डिंग: स्टील स्कैफोल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड बाई स्टील ट्यूब्स विच आर फिक्स्ड टूगेदर बाई स्टील कपलर्स और फिटिंग्स। इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट और डिसमेंटल। इट हैज ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी। पेटेंडेड स्कैफोल्डिंग: पेटेंडेड स्कैफोल्डिंग आर मेड अप ऑफ स्टील बट दीज आर इक्विपाइड विथ स्पेशल कपलिंग एंड फ्रेम्स एटसेट्रा। These are ready-made scaffolding which are available in the market. Quick stage scaffolding: this scaffolding is contrived from hard-wearing galvanized steel and is admired for its easy installation, effortless to assemble as well as disintegrate. It is used for both big and small construction works. Process of scaffolding erection: barrication, barricade area with tape. Firm surface: build scaffolding on a leveled solid ground. Base plate: base plates must be placed below all standard. सभी standard के नीचे base plate होना चाहिए. Inspection: visually inspect all scaffold elements prior to use. यूज करने से पहले विजुअली सभी स्कैफोल्ड को, सभी स्कैफोल्ड के एलिमेंट्स को देखेंगे. Secure for stability: secure scaffolds higher than 10 meter with fixed structure for stability. First at 10 meter or then at every 8 meter. Laser: इंस्टॉल फर्स्ट लेजर एट ए मिनिमम हाइट ऑफ 2 मीटर। पहला लेजर को मिनिमम 2 मीटर पे लगाते हैं। ब्रेसिंग: ब्रेसिंग शुड बी डन फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। ब्रेसिंग को चारों साइड से लगाना चाहिए। एक्सेस एंड इग्रेस: प्रोवाइड सेफ एंड कन्वीनियंट मींस ऑफ एक्सेस। लैडर:
ensure that ladder extends to at least 3 rungs above the platform. Ensure करना है कि 3 rungs platform से ऊपर होना चाहिए ladder का. 3 point contact. Always maintain 3 point contact while climbing ladder. जब भी ladder पे चढ़ रहे हैं तो 3 point contact होना चाहिए. Secure ladder. Secure the ladder legs against movement. Certified scaffold. Scaffolds must be certified before use. Scaffold को use करने से पहले check करना है कि वो certified है या नहीं है. Guardrail. Ensure that the platform has both top and mid railings. Toe guard. Provide toe guard to protect from falling object. Toe guard क्या है जो protect करता है कोई भी object को गिरने से. Planks. Make sure planks are securely tied at both ends. Loose objects. Keep tools and loose objects in the toolbox. Pathway. Maintain clear pathway. Pathway को maintain करना है, clear रखना है कि scaffold को move करने में कोई दिक्कत ना हो. Safety nets. Use safety nets wherever applicable. जहां जरूरी हो वहां safety net को इस्तेमाल करना है. Material lifting. While lifting materials, make use of rope and pulley. जब भी हम लोग material को lifting करते हैं तो रोप और पुली का इस्तेमाल करना है. Competent person. Ensure competent supervisor is available. Unstable object. Don't use unstable objects as a scaffold base. Scaffold base के लिए कोई भी unstable object का यूज नहीं करना है. Assembling. Don't try to fit any parts forcefully. Unsafe access. Don't use braces for climbing. कभी भी bracing को चढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है. Unsafe access का इस्तेमाल नहीं करना है. Tags. Don't use scaffolds assigned with red tags. जिस पे लाल रंग का टैग लगा हो उसको इस्तेमाल नहीं करना है. Scaffolding ratio height to width. Don't let height exceed 4 times base width without trying to fix support. Overhead clearance. Scaffold should not be closer than 3 meter to any overhead electrical power lines. Scaffold और electrical power lines के बीच minimum 3 meter का distance रखना है. Water bodies. Do not erect scaffold on wet ground or inside water body. कभी भी स्काफोल्ड को गीले जगह और वाटर के अंदर खड़ा नहीं करना है. क्लैंप्स. डोंट यूज स्विवल क्लैंप्स फॉर कनेक्टिंग पाइप्स. यूज ओनली रिजिड क्लैंप्स. स्विवल क्लैंप्स को कभी भी यूज नहीं करना है कनेक्टिंग करने कनेक्टिंग पाइप में. ओनली रिजिड या फिक्स क्लैंप को यूज करना है. इम्प्रॉपर स्काफोल्डिंग. Don't climb scaffold without bracing. बिना bracing के कभी भी scaffold पे चढ़ना नहीं है. Climbing with material. Don't try to carry materials while you climb. जब भी हम चढ़ रहे हैं तो material को carry नहीं करना है. Climbing with harness. Don't start climbing without the safety harness. Without safety harness के चढ़ना नहीं है. Platform planks. Don't let platform grating extend more than 6 inches from the end. End से 6 inches से ज्यादा plank को बाहर नहीं निकालना है. Space between planks. Don't let the space between platform grating exceed 1 inch. दो plank के बीच में 1 inch से ज्यादा gap नहीं रखना है. Damaging platform. Don't clutter platform with loose tools. Loose tools के साथ platform को
नहीं बिखरना है, उस पे बिखरा हुआ जो भी लूज टूल्स है उसको टूल बॉक्स में रखना है। वर्कर फिटनेस, डोंट अलाउ मेडिकली अनफिट पर्सन टू वर्क एट हाइट्स। जो भी अनफिट पर्सन है उसको काम करने के लिए अलाउ नहीं करना है हाइट पे। ओवरलोड, डोंट ओवरलोड प्लेटफॉर्म्स एंड स्काफोल्डिंग्स। स्काफोल्ड और प्लेटफॉर्म को ओवरलोड नहीं करना है। लीन ऑन गार्डरेल, डोंट लीन ओवर गार्डरेल्स। गार्डरेल पे झुक के खड़ा होना नहीं है। लैनियर्ड एंकरिंग, डोंट हुक लैनियर्ड टू सपोर्ट्स लेस देन 2 इंची वाइड। 2 इंची से कम चौड़े वाले सपोर्ट में लैनियर्ड को हुक नहीं करना है। टैग्स, डोंट वर्क ऑन अनटैग्ड स्काफोल्ड। जिस स्काफोल्ड में टैग नहीं लगा हो उसको काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट और शेयर विथ सब्सक्राइब माई चैनल।